हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। रीता गौर हरि बो हरि बो हरि बो। रीता गौर प्रेमानंदे हरे कृष्णा। तो ये बहुत सुंदर तिथि थी शिवरात्रि महोत्सव की। हरि बो। तो वही शिव चैतन्य लीला में आते हैं अद्वैत आचार्य के रूप में। किसके रूप में? चैतन्य महाप्रभु की लीला बड़ी बड़ी अद्भुत है। तो हमने शिवरात्रि की लीला डिस्कस की, शिव जी का विवाह, बट उससे भी अद्भुत है जब चैतन्य महाप्रभु की लीला में शिव जी आते हैं अद्वैत आचार्य के, और बड़ी अद्भुत लीला करते हैं। क्योंकि इस लीला में, चैतन्य महाप्रभु की लीला में, हम बहुत क्लोजली देख पाते हैं भक्तों का भाव, समझ रहे हैं क्या उनके हृदय में चलता है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं, इस लीला में हम देखेंगे कि अद्वैत आचार्य जो है इनके अंदर कितना सेवा का भाव है। वो सदाशिव और महाविष्णु के अवतार है, कोटि कोटि ब्रह्मांड उनसे आते हैं, लेकिन उनके अंदर कितना सेवा का भाव है। हुआ क्या कि वो चैतन्य महाप्रभु से बड़े थे उम्र में, समझ रहे हैं। तो चैतन्य महाप्रभु जब भक्त बन गए तो सब लोग जान गए कि भगवान है, तो सब लोग उनको प्रणाम करते थे। लेकिन महाप्रभु क्या करते थे, अद्वैत आचार्य बड़ी उम्र के थे, इस लोग का पांव छूते थे, समझ रहे। और कभी कभी जान बुझ कर संकीर्तन में चलता रहता था और जबरदस्ती उनका पांव छू लेंगे। अब अद्वैत आचार्य को बहुत बुरा लगता था, अरे ये भगवान होकर क्या छू रहे मेरा, समझ रहे। लेकिन वो बूढ़े भी हो गए थे और चैतन्य महाप्रभु जवान थे, तो वो जबरदस्ती क्या करते थे, पांव से धूली ले लिया करते थे और अद्वैत आचार्य मना करते थे, नहीं 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 नहीं। लेकिन वो तो अद्वैत आचार्य को बड़ा बुरा लगता था, यार ये भगवान हो के मेरा चरण का धूली लेते, तो मुझे बोलते नहीं नहीं आप वैष्णव है, मैं तो भक्त नहीं हूँ, ऐसे करके महाप्रभु। तो उनको बहुत बुरा लगता था, ये तो यार बहुत गलत काम हो रहा है। हाँ, तो बोलते मेरे को कुछ ट्रिक लगाना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि मेरे को इतना जो है ना रिस्पेक्ट देते, क्योंकि भक्तों को लगता है भगवान मेरे को इतना रिस्पेक्ट ना दे, प्रेम प्रेम मतलब थोड़ा आपको आदमी उसके आपको बहुत रिस्पेक्ट करे, समझ रहे हैं। तो सिर्फ रिस्पेक्ट करे, आप गलती करें तभी भी कोई बात नहीं, आप बहुत अच्छे हैं, तो फिर अंदर से आपको कैसा लगेगा कि बाप रे बाप, हम मर जाएंगे तभी कुछ बोलेगा नहीं, समझ रहे। तो फिर डर लगने लगेगा, अरे समझ रहे। तो भक्तों की इच्छा होता भगवान प्रेम मतलब डांटना भी, समझ रहे हैं। अब डांटेंगे नहीं मतलब तब फिर कोई करेक्ट ही नहीं करेगा। तो अद्वैत आचार्य बहुत घबरा गए कि तुम मेरे को भगवान सीनियर की तरह ट्रीट करें, इसमें तो अच्छा नहीं लग रहा है मेरे को, समझ रहे। तो उनको बहुत बुरा लगता था। तो आइए हमें लीला को देखते हैं, कितनी सुंदर लीला कर रहे हैं, समझ रहे। तो महापुर रात दिन क्या करें, नवदीप में संकीर्तन करें, क्या करें, समझ रहे, बहुत अद्भुत लीला करे। और इधर महाप्रभु के अनेक भक्तों में, समझ रहे, एक भक्त है कौन, अद्वैत आचार्य। 7 नंबर श्लोक। जाने जन को था श्री चैतन्य कृपा, चैतन्य महाभक्त शांतिपुर रा, तो जाने जन कथो सी चैतन्य कृपा। अगर कृष्ण में भगवान की कृपा होगी तभी आप भक्तों की महिमा, यूजुअली भक्तों की महिमा पता करना बड़ा, भक्त लोग बड़ा सरल घूमते हैं, तो आपको उनकी महिमा पता करना
भौतिकवादी बताते घूमते कि पता है हम का किए, जो नहीं किए वो भी बोल देते, करेंगे इतना बोलेंगे, और भक्त लोग करेंगे इतना बताएंगे नहीं। तो उनकी पता चलना चैतन्य महा कृपा होगी तभी आपको पता। चैतन्य महाभक्त शांति पुत्र, एक महान भक्त, इनका नाम था अद्वैत आचार्य हरिबो, और वो शिव जी के एक्सपेंसर। तो महाप्रभु बहुत उनको आदर देते थे, रिस्पेक्ट देते थे। जब वो कीर्तन करते रहते थे तो बेहोश हो जाते थे, बाहर आते तो अद्वैत आचार्य, अद्वैत आचार्य आप बाह्य हैले विश्वंभर सर्व वैष्णवे रे, महाभक्ति करे न विश्व, तो चैतन्य महाप्रभु कीर्तन करते करते भाव में चले जाते थे, और जब भाव से बाहर आते थे तो बहुत सबको प्रणाम करने लगते थे कि मैं वैष्णव, मैं बहुत नग्न हूँ, आप लोग वैष्णव हैं, मेरे को आशीर्वाद दीजिए, मेरी कृष्ण में भक्ति बढ़े। और विशेष करके सबसे ज़्यादा रिस्पेक्ट किसका करते थे, क्योंकि वो सबसे सीनियर थे, समझ रहे, तो उनका बहुत रिस्पेक्ट। तो बाह्य दृष्टि से अच्छा है कि वो रिस्पेक्ट करे किसका, अद्वैत आचार्य का, लेकिन अद्वैत आचार्य को बुरा लग रहा है कि यार मैं तो डिवोटी हूँ, ये तो भगवान है। अब मान ली भगवान कृष्ण आके आपको रिस्पेक्ट करे, समझ रहे कि आप कितने बड़े भक्त हो, और आपको पता है कि बेटा इधर हरी बोले, समझ रहे, इधर लड़की को देखे हो जाता हरी बोल, समझ रहे, उसे बोले आप तो महान भक्त हैं, तो आप बोलेंगे भगवान, और कोई बोलेगा तो हम छुपा सकते हैं, आपके सामने आपको तो पूरा पोल पता ही हमारा, समझ रहे। तो महापो एकदम उनको क्या करते, बहुत रिस्पेक्ट, तो उनको बहुत बुरा लगता था, समझ रहे। यहाँ ते असुखी बोड़ो शांतिपुर नाथ, मोने मोने गर्जे चित्ते ना पाए सोयाथ, तो देखिए भक्तों का क्या लक्षण है, उनका गुणगान होता है उनको बहुत बुरा। अब आप सोच सकते हैं हम लोग भक्त है कि नहीं, हम लोग का गुणगान होता है तो कैसा लगता है, अरे और बोलिए प्रभु जी थोड़ा, आप लोग समझ रहे कितना मजा आ रहा है, गुदगुदी हो रहा है, समझ तो समझ रहे। लेकिन जो रेल भक्त होते उनको बुझा, समझ रहे, लेकिन हम लोग देख सकते हैं, हम लोग समझ रहे, थोड़ा कोई गुणगान करता तो अच्छा लगता है कि नहीं लगता है, हाँ कि लगता है, नहीं नहीं प्रभु जी मत गुणगान कीजिए, हम तो एकदम समझ रहे हैं, हम तो अभी तक समझे नहीं, बोला जाता है लेक्चर में महान भक्त बोलते हैं हम समझ रहे हैं, कीड़े से भी निकृष्ट है ये वो, लेकिन हम लोग को तो अपना गुणगान क्या लगता है बहुत अच्छा, समझ रहे हैं। कितने लोग अपना गुणगान एकदम बेकार लगता है, समझ रहे कि पूजी, समझ रहे आप लोग महान वैष्णव है, आप लोग को लगता होगा, समझ रहे कितने लोग को अपना गुणगान अच्छा लगता है, समझ आपको अच्छा नहीं लगता है, हाँ आपको कोई बोलेगा समझ आप कितने अच्छे हैं, अच्छा अभी तक कोई बोली नहीं आपको, समझ रहे हैं हम लोग सोचते हैं लाखों कान हो करोड़ों, समझ रहे हैं मुख हो, अगर कोई कर गुणगान करे हमारा, समझ रहे हैं कि हे भगवान इसको लाखों करोड़ों मुख दान में दे, कितनी अच्छी बातें बोल रहा है। यहाँ तक इस दुनिया में गुणगान इतना अच्छा लगता है, कोई अगर झूठी झूठी क्या बोलते प्रसन्नता करते ही बहुत अच्छा लगता है, पता है कि झूठ बोल रहा है, समझ रहे, और इसका प्रूफ क्या है, लोग मेकअप करते हैं, उसको पता है हम वो नहीं है, और मेकअप करके किस लिए, कि हमारा गुणगान करो, समझ रहे कि हम वो नहीं है, हम स्टाइल मारते हैं, समझ रहे, वो तो हम है ही नहीं, हमको पता है, फिर भी अच्छा लगता है, कोई बोलता है अरे क्या कपड़ा पहने पूजी, सो हम लोग कितना उल्टा चले थे, कोई गुणगान करता था उनको बहुत अच्छा, और जो नहीं है वो भी बोलता तो बहुत अच्छा लगता है, समझ रहे कि एटलीस्ट बोलने में तो सुनने में तो अच्छा लगता है, हो नहीं हो प्रभु जी आप तो बड़े टॉपर हैं, फेले करता हो लेकिन उसको अच्छा लगता है, समझ रहे। तो ये क्या है, भौतिक चेतना का लक्षण, समझ रहे। लेकिन देखिए अद्वैत आचार्य को, उनको बहुत बुरा लगता था कि मेरे को ये सम्मान देते, समझ रहे, यहाँ ते असुखी बड़ो शांतिपुर ना,
तो अंदर बोलते भगवान ऐसा मत बोले, लेकिन ज्यादा जोर से भगवान को मने मने गोरजे चित्ते ना पाए, समझ रहे, लेकिन अंदर से शांति नहीं मिलता था कि अरे यार क्या करे क्या करे, क्योंकि चैतन्य बापू को ज्यादा कुछ बोल भी नहीं सकते थे, जूनियर तो डांट भी सकते आप, समझ रहे, अरे ज्यादा मत बोल चुप, लेकिन अब सीनियर बोल रहा तो क्या करेगा, तो बहुत दुखी रहते थे क्या करे। निरवधि चोरा मोरे विडम्बण खोरे, निरवधि चोरा मोर विडम्बण खोरे, प्रभुत्व छाड़िया मोर चरण से धोरे, ये निरवधि हर समय चोर क्या करता है, बड़ा कठिनाई में डाल देता है, विडंबना करता है, मेरे जीवन परेशानी में डाल देता है, समझ रहे, अपना सुप्रीमसी छोड़ के प्रभुत्व छाड़िया मोर चरण से मेरा पांव पकड़ लेता है, समझ रहे, अपना प्रभुत्व छोड़ के क्या करता है मेरा, और इतना पावरफुल है, 7 फीट लंबा है, गुंडा है पूरा एकदम, समझ रहे, बोले नहीं पारो मुई, हम सोचते हैं हटो हटो, लेकिन इतना शक्तिशाली तो क्या करोगे, दारा सिंह आ जाएगा, समझ रहे, उसको हाथ से क्या करोगे, तो आप प्लेट से को उठाए खाइए ले, समझ रहे, बोलो हर्ष खा रहा हूँ पतला दुबला, समझ सकती है उसको, बम बम ब्लैट तो क्या करेगा हर, समझ रहे, बम बम खूब दूध दही खाने वाला, समझ रहे, तो ज्यादा हर्ष करेगा तो कब, समझ रहे, पूरा प्लेट उठा के ले जाएगा, समझ, तो वैसे ही अद्वैत आचार्य सोचे बेटा इसको ज्यादा कुछ बोलेगा तो हमको उठा के पटक देगा, समझ रहे, पूरा अभी तो पाँव छू रहा, फिर पाँव से उठा लेगा, फिर तो कूद लेगा, फिर सबको बोलेगा आवा पाँव छू इसका, समझ रहे, फिर तो हरी बोल हो जाएगा भाई, तो बोले ना ही पारो मुई प्रभु महावाली, तो खूब पावरफुल आदमी है, धरिया ओलाए मोरे अचरनेरा, पकड़ के जबरदस्ती का करता मेरे चरण का धूली, मेरे पास भी, लेकिन हम भी कम नहीं है, इसके पास शरीर का शक्ति तो मेरे पास भक्ति का शक्ति, भक्ति बोलो सबे मोर आछाए उपाय, भक्ति बिना भी संभरे चिन न जा, तो भक्ति बोलो सबे मोर आछाए उपाय, तो भक्ति बल सबे मोर, लेकिन मेरे पास किसका बल है, भक्ति का बल है, मेरे पास उपाय है, समझ रहे, भक्ति के बिना विश्व महाप्रभु को समझ नहीं सकता, तो मैं भी कम नहीं हूं, मैं भी क्या हूं, उनका भक्त हूं, वो भगवान है तो हम का है, उनके ही भक्त है, कम थोड़ा ना है, समझ रहे, तबे से अद्वैत सिंह नाम लोक घोषे, चूर्ण करो माया जबे अशेष विशेष, ये अपने आप को ज्यादा शक्तिशाली समझ गया, भगवान हो गया तो कहा हो गया, हा? हम कब है का, हम उसका का है भक्त, हम उसका जो हमको पकड़ता है पांववा और चरण का धूली लेता है, बहुत घमंड है कि हमसे ज्यादा शक्तिशाली है, हमारे सामने आके हमारे चरण का धूली ले लेगा, हम कुछ नहीं कर पाएंगे, हम उसको हरा देंगे, उसका जो अहंकार चूर चूर कर देंगे कि हमारा चरण का धूली लेगा, हाँ हम हमको अपने से ऊपर रखेगा, देखो क्या क्या कंपटीशन चल रहा है दुनिया में, सब लोग बोलते, एक आदमी था तो उससे पूछा गया इंटरव्यू में कि आप क्या करना चाहते हैं, आपका गोल ऑफ लाइफ क्या है, तो कंपनी का एग्जीक्यूटिव था, बहुत सारा उसने बोला, ताश का पत्ता था, तो उसने बोला देखिए ये जो है ये जूनियर मैनेजर है, ये सीनियर मैनेजर है, ये सीईओ है, ये एग्जीक्यूटिव है, ये ओनर है, तो मैं जूनियर मैनेजर हूँ, तो आपका गोल ऑफ लाइफ क्या, तो अपने पत्ता को सबसे ऊपर रख दिया, गोल ऑफ माई लाइफ इज टू बिकम बॉस आनु, बॉस आनु, बॉस आनु, नहीं बॉस स्टिल बॉस आनु, बाकी समझ रहे, बॉस आनु, बॉस आनु,
बॉस अनु, बॉस अनु लिमिट टेंडिंग टू इन्फिनिटी, समझ रहे? तो पीपल ऑफ दिस वर्ल्ड क्या चाहते हैं? बॉस बनेंगे हम, क्या बनेंगे? और यहां पर अद्वैत आचार्य क्या बनना चाहते हैं? वो सेवक बनना चाहते, उनको बहुत बुरा लगा हमको बॉस बना रहा है। हाँ बोले कोई बात नहीं है, हम उनका अहंकार, उनको जो अहंकार की वही वो हमको हमारा चरण का धूली ले लेंगे, मतलब वो बॉस हो गए, समझ रहे? हम उनका इल्यूजन को तहस नहस कर देंगे। तब मेरा नाम क्या कहलाएगा? अद्वैत शेर। क्या नाम कहलाएगा? शेर है हम, अद्वैत सिंह। और सब लोग मेरा गान गाएगा कि अब कौन है? सिंह है हम, का है सत्यम सिंह। सिंह हम क्या है? सिंह क्या है? हम सिंह है, समझे? सिंह हमसे बढ़कर। तो अद्वैत आचार्य बोले कंपटीशन क्या लग रहा है कि हम सबसे, सब भक्तों के भक्त हैं, सेवक रहेंगे, और महापु उनको अपने ऊपर रखना चाहते, बोलते हमने महापु से नीचे रहेंगे, इसका कंपटीशन है, समझ रहे? तो बोलते अच्छा, ना हीरो समझता है मेरा पांव का धूली ले लेगा, मतलब हम हमको भक्त हमको अपने से ऊपर रखेगा। उनका गोल ऑफ लाइफ क्या था? पतास का पत्ता सबसे ऊपर महापुरुष को रख रहे, अपने से ऊपर भगवान उसको रख रहे, भगवान अपने से भी ऊपर किसको रख रहे हैं? शिव जी को, अद्वैत आचार्य को। और वो बोलते नहीं, हमको कहाँ रहना है? नीचे से भी नीचे, नीचे। गोपीर परतुर पद कमल दास आनु, दास आनु, दास स्टिल टेंडिंग टू इनिफिनिटी। तो ये देखिए यहां पर बोले का समझ लिए, इनका घमंड बढ़ गया कब से पता है? भृगु ऋषि का चरण अपना कलेजा में रख लिए, तब से इनका घमंड बढ़ गया कि हम भक्तों का चरण अपने कलेजा में। अरे इनको पता नहीं है भृगु जैसा हजारों मेरा दास है, मतलब मेरा शिष्य, समझ रहे? भृगु रे जिनी आसे पाई आसे चोर, सोच ले हम भक्तों का चरणों का धूली ले लिए, इसलिए चोर बोल रहे। किसका चरण का धूली चुराते हैं? एक नंबर का चोर है, क्या चुराता है? भक्तों का चरणों का धूली, क्योंकि उसमें महाबल है, समझ रहे? तो ये बेटा चुराता है, तो हम का सोचा भृगु का चुरा लिया, हमारा तो भृगु जैसा बेटा हजारों शिष्य है रे, हमारा चुरा लेगा, का मजाक समझ लिया है? भृगु है ना, सत सत शिष्य आचे मोत। अरे हम इतना लोगों को ट्रेनिंग दे रहा है, हमारा हजारों हजार का है शिष्य है, भृगु का ले लिए, अब भृगु जैसा तो हमारा शिष्य है, हमारा चरण का धूली ले लिए, मजाक का छोड़ थोड़ ना देंगे। हे क्रोध जन्मी बार प्रभु शरीरे, स्वहस्ते आपने जे मोर शास्ति कोरे, ऐसा गुस्सा दिलाऊंगा ना, ऐसा गुस्सा दिलाऊंगा कि हमको मारने आएगा। अभी चरण का धूली ले रहा चोरवा, हाँ हमको हीरो बना रहा, हमको बोलता हम बढ़कर है, हाँ हमारा दास है वो, हाँ भगवान होके हमको हमको अपने से ऊपर रख रहा है, छोड़ थोड़ ना देंगे। ऐसा उसको गुस्सा दिलाएंगे ना कि हमको पकड़ के मारेगा, क्या करेगा? पकड़ के हमको मारेगा। तब हम बोलेंगे का हुआ, हमारा चरण का धूली लेते थे, अब कब मार रहे हैं हमको? अब कहा हुआ आपको? हमको बोलते थे अब तुम तो बड़ा भक्त है, तुम तो महान है, अभी हमको मार कैसे रहे? तब हम मजा लेंगे। भक्ति पूजा इते से प्रभुर अवतार, तो चैतन्य महाप्रभु का अवतार किस लिए हुआ? भक्ति प्रचार करने के लिए, सबको हरे कृष्णा कराने। हम जाके लोग बोलेंगे हरे कृष्णा मत करना, क्या बोलेंगे हम? जब हम बोलेंगे हरे कृष्णा मत करना, ऐसा प्रचार करेंगे हरे कृष्णा नहीं करने का कि फेमस हो जाएंगे। तब बेटा आएगा कि बेटा ये हरे कृष्णा का ऐसा बदनामी कर दिया, अब फिर हमको मारने आएगा। अब कोई आदमी मान लीजिए आप गोविंददास वॉइस खोले हो, प्रसाद खिलाए, उसको बदनाम कर दे, पता प्रसादों में काम मिलाता है लोग, कुछ तो मिलाता है, समझ रहे? अरे पता है लो ये सब करता वो सब करता, इधर बेटा आप रात दिन मेहनत करो कि भाई हम लोग को प्रसाद खिलाए, इसी बहाने उनका भक्ति बढ़े, और बेटा उल्टा पुल्टा फैलाया जा रहा, समझ रहे? पता है केमिकल मिलाता है केमिकल, ताकि फिर उससे पता ब्रह्मचारी हो जाएगा सब, देख रहे?
अरे तुम्हारा पोटेंसी खत्म हो जाएगा रे, समझ रहे। तो ऐसे से उल्टा पुल्टा बोलेगा तो मन कर बिल पकड़ के क्या करेंगे उसको, दो थप्पड़ मारे। तो वैसे महाभूत अवतार हुआ किस लिए? प्रचार के लिए, दया करने के लिए बेचारे आए थे, हरि नाम लेने के। बोला हम क्या करेंगे, भक्ति का पूरा बदनामी कर देंगे, समझ रहे। तो अब आपका पूरा, आप कहीं पर गए हो कुछ काम के लिए, वही कोई भंग कर दे तो कैसा लगेगा? आप यहां से दिल्ली गए हो मान लीजिए कुछ सेटअप करने के लिए, कुछ इको फ्रेंडली लाइफ्स का प्रोजेक्ट सेटअप कर रहे हो, कोई उसी का बदनामी कर रहे, मन करे मार दू जूठा, समझ रहे। तो हेन भक्ति ना मानिनु, यही मंत्र हमको समझ में आ गया, इसको कैसे डील करना है, समझ रहे। हमको परचरण का धूली लेते, हम कुछ नहीं कर पाते, हम छोड़ थोड़ देंगे, हाँ हम भी कम नहीं हो उससे, समझ रहे। तो जब भक्ति नहीं मानेंगे हम, तो भगवान एकदम क्या करेगा, गुस्सा हो जाएगा और अपने आप को भूल जाएगा, और फिर मेरे को चूट छोल चूटा पकड़ के क्या करेगा, पीटेगा हमको, समझ रहे। इस प्रकार से इन्होंने प्लानिंग कर लिया किसने, अभी अद्वैत पांव छूते थे तो उनको गुस्सा आता था, वो सोचे यही किसने भजे सही बड़ो। अच्छा हंसने लगे प्लान रेडी हो गया है, क्या हो गया, प्लान रेडी हो गया, बताते हैं। ई मत चिंतिया अद्वैत महारंगे, विदाय होइला प्रभु होरी दास संगे, इस प्रकार से अद्वैत आचार्य अपने टीम में किसको ले लिए, हरिदास ठाकुर, दोनों मिलके निकल गए, कहाँ घर से बाहर चले गए, समझ रहे। और अब उनको एकदम क्या आ गया, एक्सटेसी आ गया, आ गया, हा हा हा। अब वो क्या प्रचार करने लगे, मायावाद का प्रचार करने लगे, क्या प्रचार करने लगे, समझ रहे। नेक्स्ट, निरवधि भावावेशे डोले मोट होइया, बाखाने वासिष्ठ सास ज्ञान प्रकाशिया, तो अब वो क्लास देते पहले आराम से देते, अभी एकदम स्पेशल एकदम फॉरम वोरम में आके एकदम डोले मोट हो, पता है आप लोग को, अरे भगवान जो है शक्ति है केवल, क्या है भगवान को इस उनका रूप कैसे हो सकता है, अरे अरे रूप तो लिमिटेड होता है, भगवान शास्त्रों में दिया हुआ है अरूपम, क्या दिया हुआ है, भगवान का रूप कैसे हो जाएगा, इसका मतलब भगवान भौतिक है। अरे उछल उछल के डोले मत होया, बाखाने वासिष्ठ सास ज्ञान प्रकाशिया, कि हम लोग सब क्या है, अरे हम उसको ब्रह्म, जब आप माया से परे हो जाएंगे तब आप उस पर ब्रह्म में लीन हो जाएंगे, तब ये जो द्वंद्व है आपके मन में, ईश्वर और जीव का भेद का जो द्वंद्व है, आप उससे परे उठ जाएंगे और आप और जीव का समन्वय हो जाएगा, इसी को बोलते महारास, समझ रहे हैं। अभी आप लोग तुच्छ अवस्था में ये सब कंसेप्ट समझ नहीं पाएंगे, जब आप एडवांस हो जाएंगे तब कॉन्सेप्ट समझेंगे, समझ रहे हैं। तो इस प्रकार से क्या प्रकार लगे सबको ज्ञान शास्त्र, कि हम लोग सब क्या है, हम लोग सब क्या है, चिन्मय परम ब्रह्म है, ब्रह्म में लीन हो जाना जीवन का सफलता है, समझ रहे। और पूरा आनंद से, ज्ञान बिना भक्ति, ज्ञान बिना की बा शक्ति धोरे विष्णु भक्ति, अतेव सवार प्राण ज्ञान सर्वशक्ति, अरे भक्ति 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 बात, कोई भक्ति युक्ति नहीं है, भक्ति केवल क्या बोलते हैं, गिना ज्ञान के बिना भक्ति का कोई काम, अतेव सवार प्राण ज्ञान सर्व, ये भक्ति ये सब कमजोरों का लक्षण है, ठीक है शुरू में कर सकते हो लेकिन उच्च अवस्था पे जाने के बाद तुम्हें क्या ज्ञान मार्ग में आना पड़ेगा, समझ रहे।
ये सब क्या है? खुशामत करने का, लड्डू खा लीजिए, सब खा लीजिए, समझ रहे? कब ब्रह्म को भूख लगती है क्या? ब्रह्म तो आत्मा राम है, उसको भूख कब से लगने लगी? हाँ, पर ब्रह्म को भूख लगेगी, पर ब्रह्म को प्यास लगती है, पर ब्रह्म को ठंड लगती है, पर ब्रह्म को खिलाते हैं लोग, मूर्ख लोग। क्या भगवान को अगरबत्ती नहीं देंगे तो कमी हो जाएगी उसको? झूठ मूठ की पूजा, ये भक्ति नहीं मेन। क्या ठीक है, नए लोग के लिए भक्ति ठीक है। ऊपर उठने के बाद क्या है ऊपर वाली चीज? ज्ञान। क्या है ऊपर? ज्ञान। अतएव सवार प्राण ज्ञान सर्वशक्ति, समझ रहे? हेर ज्ञान ना बुझिया कोनो कोनो जानो, घोरे धनो होराइया चाहे गिया बोनो, तो जो ज्ञान मार्ग का आस्वाद नहीं करते हैं और किसका करते हैं? भक्ति मार्ग का, वो कैसे मूर्ख है? ये हरिद्वार वॉइस को तो आग लगा दिया जाए, गोविंदा वॉइस को, ये लोग पागल लोग, समझ रहे? सब पूजा करता है, ऑल्टर ले आए, नया टेम्पल हॉल बनाएंगे, नष्ट कर देंगे, क्या कर देंगे लोगों, समझ रहे? हेन ज्ञान, ज्ञान अंदर में क्या है? परमात्मा का क्या है? अंदर से भगवान है, समझ रहे? लेकिन हम इसको भूल के आरती करें, पूजा करें, भक्ति करें। इसी प्रकार जिस वजह से आपके घर में रखा हुआ है 100 करोड़ का हीरा और अब बाहर वन में खोज रहे हैं कि 10 रुपया दान दे दे भीख, समझ रहे? ज्ञान मार्ग को छोड़ के भक्ति मार्ग को जाते हैं लोग, समझ रहे? अरे ज्ञान और भक्ति, अरे विष्णु भक्ति किस प्रकार से? आईने के समान, किसके समान? विष्णु भक्ति दर्पण लोचन होय ज्ञान, चक्षुहीन जनेर दर्पणे कौन काम, भक्ति किसके समान है? आईने के समान है। किसके समान है? और ज्ञान किसके समान है? आंख के समान। अगर किसी का आंखें नहीं है तो दर्पण का करेगा? उसको गिफ्ट देकर ले दर्पण, देख अपना सुंदर मुखड़ा, आंखें नहीं है तो क्या करेगा, काम आएगा? वैसे ज्ञान के बिना भक्ति का कोई इस्तेमाल बेकार है। कौन ज्यादा इंपॉर्टेंट, दर्पण की आंख? तो इसलिए कौन ज्यादा इंपॉर्टेंट, भक्ति कि ज्ञान? ज्ञान। चक्षुहीन जने दर्पण कौन का? इस प्रकार से आदि अंत आमी पढ़िलाम सर्वशास्त्र, बुझिलाम सर्व अभिप्राय ज्ञान मात्र, तो आदि अंत आमी, मैंने सब शास्त्र पढ़ा है और मैं समझ गया हूं सार क्या है? ज्ञान है। क्या है सार? तो अब ये कौन रोज क्लास दे रहे थे? योग वशिष्ठ पे क्लास चालू कर दी, समझ रहे? कि जब ज्ञान के स्तर पे आ जाओगे तब द्वंद्व से ऊपर, इस प्रकार पर एक आदमी बहुत हंस समझ रहे थे लेक्चर को, कौन? हरिदास ठाकुर। उनको पता था कि ये तो नाटक कर रहे, समझ रहे? तुमको इतना नींद क्यों आ रहा है? भक्ति का क्लास नहीं हो रहा इसलिए क्या? वो एकदम भक्त हो गया, ज्ञान का क्लास हो रहा तो उसको नींद आ जा रहा है, समझ रहे? भक्ति मार्ग में उतना भी ज्ञान इंपॉर्टेंट, क्या इंपॉर्टेंट है, समझ रहे? कितना सुंदर सुंदर पॉइंट बताया जा रहा है और तुमको नींद आ रहा है। उठो, तुम पर ब्रह्म हो, समझ रहे हो? तुम कब तक कमजोर रहोगे? तुम ही वो भगवान हो। सो
सो तुम रहे हो कि तुम्हारी आत्मा। पर ब्रह्म कभी सोता है, जागृत अवस्था में रहो। ये भी स्पेशल क्लास है, बार बार थोड़ा ना मिलेगा। इसको हमें बैन कर देंगे ऐसा पढ़ाएंगे हम कि साहब तुम लोग बर्बाद। तो एक आदमी बड़ा अंदर से खुश था, उसका नाम था हरिदास ठाकुर। वो जान रहा था कि किस लिए कर रहा है ऐसा प्रचार, वो गलत प्रचार किस लिए कर रहा है। इसकी जानकारी किसको था कि ये तो इसका अभिप्राय क्या है कि चेतन महाप्रभु को गुस्सा दिलाना है ताकि वो डांटे, समझ रहे। तो वो जब क्लास देते थे तो वो पीछे से हंसते थे, समझ रहे। अद्वैत चरित्र भाल बुझे हो रिदास, व्याख्यान सुनिया महा अटट हास, तो अद्वैत चरित्र भाल बुझे। तब लोग अद्वैत आचार्य का चरित्र बढ़िया बुझ रहे थे, कौन हरिदास ठाकुर, इसलिए जब वो बताते थे ज्ञान ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो जोर जोर से हंसते थे अंदर ही अंदर, समझ रहे। इस प्रकार से अद्वैत आचार्य का चरित्र समझना बड़ा। भक्त लोग क्या करते हैं, कोई कोई मायावाद का प्रचार करता है, वो समझ में नहीं आया क्यों कर, समझ रहे। तो इस प्रकार से जो महान वैष्णव है उनको तो समझ में आ जाएगा कि इसके द्वारा सिखाना चाह रहे हैं कि भक्त लोग कितना प्रिय भगवान का द्वारा, भगवान से वो लोग कितना चाहते भगवान की सेवा करना, भगवान से वो सम्मान उम्मान नहीं चाहते। और दुष्कृटी लोग जो है, पापी लोग, वो लोग इसको देख के वो लोग और कंफ्यूज हो जाएंगे कि बड़ा अद्वैत आचार्य इतना बड़ा लीडर था, ये क्या प्रचार कर रहा है, समझ रहे। सर्व वांछा कल्पतरु प्रभु विश्वंभर, अद्वैत संकल्प जिते होई लोगोचर। और अब अद्वैत आचार्य के मन में इच्छा हो गई तो भगवान कल्पतरु है, अपने से ऊपर किसको रखते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु को पता चल गया कि अब यह मायावाद का प्रचार करके मेरा द्वारा शास्ति पाना चाहता है, मेरे को इसका इच्छा है कि मैं उनको सर्वेंट के तरह ट्रीट करूं।